दिखाओ सब, दिखाओ सबको, कलर चेंज हुआ इसका? नहीं हुआ ना। जब कलर चेंज, रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ, मतलब ये बेस नहीं है। ठीक है, इसको भले फेंक दो, आप फेंक दो इसको, यहां रख दो। अब ये दोबारा पकड़ो, इस सॉल्यूशन में डालो, इसको निकालो बाहर। देख रहे हैं आप, इसमें कलर चेंज हो गया। जब रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाए ब्लू में, मतलब ये क्या है? बेस। अब इससे हमें कंफर्म हो गया ये क्या है? बेस है। ठीक है, अब ये चेक करते हैं एसिड है या नहीं है। आप बैठ जाओ, यहां से कौन आएगा? आ जाओ तुम, आ जाओ। ये ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है। एसिड हमारे पास क्या था? दैट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ये तो हमें कंफर्म हो गया ये बेस है। ठीक है, इसमें कंफर्मेशन करते हैं। देख रहे हो आप, ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो गया? रेड में। तो ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड में चेंज होगा तो हमें कंफर्म हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन क्या है? एसिड। तो अब अगर हमें पहले नहीं पता था ना, अब हमने कंफर्म कर लिया। किससे कंफर्म किया? लिटमस पेपर टेस्ट से। बैठ जाओ। किससे कंफर्म किया? लिटमस पेपर टेस्ट से। लिटमस पेपर टेस्ट से हमें पता चल गया कि ये एसिड है और ये बेस है। कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, उसके लिए अलग टेस्ट होते हैं, लेकिन जो है मेन कैटेगरी एसिड और बेस वो हमें पता चल गया। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, कलर क्यों चेंज होता है? अच्छा जी, इट इज बिकॉज द पिगमेंट्स इन ब्लू रिएक्ट्स विद एच प्लस आयन एंड चेंज केमिकली सो द बॉन्ड ट्यून। ठीक है, जो इसके अंदर जो पिगमेंट्स है ना, पिगमेंट्स क्या चीज होती है? जो कलर शो करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो पिगमेंट्स थे ब्लू लिटमस पेपर में, उन्होंने एसिड का जो एच प्लस आयन होता है, याद है ना, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, एसिड वो होता है जो एच प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके साथ रिएक्ट किया कैसे? केमिकली। तो जब दो चीजों में केमिकली रिएक्ट होता है ना, यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट चेंज होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस के पास जाते हैं, ऐसा ही होता है ना बॉन्ड में, इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजिशन चेंज करते हैं। और जो हमारे पास चीजों में कलर आते हैं ना, वो कलर भी किसकी वजह से आते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से। आपने शेल्स पढ़े होंगे 9th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाता है ना, तो आपके पूरे सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाता है। तो जब यहाँ केमिकली रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन हो रही है, तो आपके सब्सटेंस का कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है।